प्रिय छात्रों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको भूषण के काव्य में वीर रस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको भूषण के बारे में जानकारी दी थी कि भूषण रीतिकाल के एक ऐसे कवि थे जो रीतिकाल की जो परंपरा थी उस परंपरा से अलग हट करके यानी वीर रस और राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत करने वाली प्रस्तुतियां दी हैं। कल मैंने बताया था कि रीतिकाल का जो साहित्य था वो तीन भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध में तो रटा रटाई वो ही 8-9 कवि हुए हैं जिनमें एक भूषण भी है, और रीति मुक्त में घनानंद है, बोधा है, आलम है और ठाकुर है, और रीति सिद्ध में हिंदी का एक प्रतिष्ठित कवि जिसका नाम बिहारी है। तो इन रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध यानी तीनों को लेकर के रीतिकाल में साहित्य का सृजन हुआ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक माना है, अर्थात 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का यह काल है। और इस काल में भूषण ने यानी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली कविता और वीर रस का प्रस्फुटन करने वाली कविता के माध्यम से, के भावों के माध्यम से पाठकों को जागृत किया था कि उस टाइम में राष्ट्रीयता का बड़ा ही महत्व था। उस टाइम में यानी छोटे छोटे राज्य थी और उन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत थी। तो इसी को लेकर के भूषण ने अपने जीवन में 2-3 रचनाएं लिखी, जिसमें इनकी पहली रचना मानी जाती है शिवराज भूषण। तो इस रचना में भूषण ने शिवाजी महाराज को आधार मान करके इसका ताना बाना बुना और उसके माध्यम से शिवाजी महाराज यानी एक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, ऐसे विचार यानी इनकी इस रचना में देखने को मिलते हैं। और माना जाता है कि कविवर भूषण का जन्म एक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में यानी 1670 विक्रम संवत को हुआ था। ये कृपाराम और मत्तीराम के भ्राता थे। कहा जाता है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था, और वो ही उपाधि यानी उसके लास्ट टाइम तक उसी उपाधि के नाम से वे अपने काव्य का सृजन करते रहे। यानी रुद्र प्रताप के अलावा, सोलंकी राजा रुद्र के अलावा वे हृदयराम सोलंकी है, साहू जी है, बाजीराम है, चिंतामणि है, जयसिंह है, छत्रसाल है और छत्रपति शिवाजी के नाम लिए जाते हैं जिन्होंने इनको आश्रय प्रदान किया था, किंतु भूषण को प्रमुख आश्रय छत्रपति महाराज शिवाजी से ही मिला, जिसके आधार पर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की थी। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा नामक अन्य तीन ग्रंथों का भी इनके रचनाओं के रूप में उल्लेख मिलता है, किंतु वे उपलब्ध आज नहीं हैं। तो इनकी रचना जो शिवराज भूषण है, इसमें अलंकार नामक शोभावर्धक अंग का विवेचन किया गया है, यानी इस रचना में अलंकारों का ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी वैसे तो ये प्रधान यानी श्रृंगार काल और यानी भावपक्ष को लेकर के इस काव्य को ज़्यादा महत्व दिया गया था, जिसमें छंद हैं, अलंकार हैं, रस है, दमनी है,
आदि यानी काव्य सिद्धांतों का विवेचन हुआ है और इसमें इसमें इन्होंने रस्व अलंकारों का ही ज्यादा वर्णन किया। इस रचना का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसमें भूषण की दृष्टि अलंकार लक्षण की अपेक्षा उदाहरण काव्य पर अधिक रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इसका प्रधान वर्ण्य विषय अपने चरित्र नायक शिवाजी के यश का वर्णन करना रहा है। इसमें भूषण ने एक एक अलंकार के माध्यम से शिवाजी की विभिन्न प्रकार की प्रशंसा की है। इसकी रचना करने से भूषण का उद्देश्य एक ओजस्वी एक वीर भावपूर्ण काव्य लिखना था, इसलिए इसमें इसमें अनेक अलंकारों के लक्षण दिए गए और अनेक उदाहरण रूप में अपने आश्रयदाता की प्रस्तुति के पद। तथापि यह अलंकार विवेचन की दृष्टि से एक सफल रचना नहीं है, इसलिए इसे लक्षण ग्रंथ न मानकर काव्य मानना ही उचित है और काव्यत्व की दृष्टि से ही इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि भूषण के काव्य में यानी वीर रस को ज्यादा महत्व मिला है। वीर रस, जैसे कि माना जाता है कि काव्य में रसों की संख्या 9 होती है, तो इन रसों में श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रुद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, शांत है, भक्ति है, इस प्रकार से यानी काव्य में रस होते हैं और रसों में वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह है। तो वीर रस और उत्साह है को यानी इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उस टाइम में क्या है कि वीर रस की एक राजस्थान में एक कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रा, जिन्होंने यानी वीर भाव को लेकर के अपनी सतसई की रचना की थी और इसी के आधार पर यानी भूषण ने भी अपने काव्य में चाहे कोई सा भी उनका आश्रयदाता हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रसाल बुंदेला हो, चाहे साहू जी हो, चाहे जयसिंह हो, यानी सभी को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने की कोशिश की है कि जब रजवाड़ों का शासन था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो उन राजाओं का एक अलग अस्तित्व था और उस अस्तित्व को जब नष्ट करने की योजना बनाई जा रही थी मुगलों के अधीन, जब मुगल छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में विलीन कर रहे थे, तो ऐसे समय में यानी भूषण ने इन ग्रंथों की रचना की और रचना करके इसमें यानी वीर रस को प्रमुखता प्रदान की थी। तो काव्य में वीर रस के बारे में भूषण ने छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल को अपने काव्य का आलंबन बनाकर वीर रस से युक्त काव्य धारा की उद्भावना की। अब देखना यह है कि उसके काव्य में किस कोटि का वीर रस है। जो साधारणीकरण की प्रक्रिया से काव्य के माध्यम से पाठकों को आह्लादित करता है, व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों का विकास दो ही प्रकार की सीमा रेखाओं के बीच होता है। प्रथम, जब वह व्यक्ति तक ही सीमित हो, और द्वितीय, जब वह उससे आगे बढ़कर लोक का भी स्पर्श करे। वीरता एवं शौर्य प्रदर्शन एक उत्तम गुण है, लेकिन जब इसका प्रयोग केवल व्यक्ति हित के लिए ही होता है तो उसकी गरिमा में न्यूनता आ जाती है, लेकिन जब उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए होता है तो तब वह प्रशस्य बन जाता है। यही वीरता काव्य में निरूपित वास्तविक वीर रस का उन्मेष करती है। वैसे भी कवि उसी व्यक्ति की वीरता को अपने काव्य का विषय बनाता है जो अपने शौर्य पराक्रम शक्ति तेज त्याग आदि विभिन्न गुणों का उपयोग अन्याय एवं असहिष्णुता का विरोध करते हुए लोक रक्षा और लोक मंगल की साधना के लिए करता है। राम है, कृष्ण है, प्रताप है, शिवाजी है, छत्रसाल है आदि ही लोकोपकारी वीर थे, जिसके कारण उसका यशोगान आज भी होता है। अब मैंने पहले भी बताया कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो साहित्य शास्त्रों के अनुसार उत्साह है स्थायी भाव का विकास केवल युद्ध में वीरता के प्रदर्शन से ही नहीं होता, अपितु दान है, दया है, धर्म है आदि लोक मंगल के क्षेत्रों में भी ये सात्विक उत्साह प्रति अपने शुद्ध रूप में परिव्याप्त रहती है। उत्साह की इस सात्विक
प्रति की व्यापकता को देखकर काव्याचार्य ने इसके प्रमुख चार भेदों की चर्चा की है। ये है युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। तो इस प्रकार से जब कोई भी यानी साहित्यकार होता है तो इनमें से अपने काव्य में से एक भाव को यानी मुख्यतः प्रस्तुति देता है, जिसके कारण से उसकी रचना अमुक भाव को प्रस्तुत करने वाली रचना साबित हो जाती है। वैसे भूषण के काव्य में प्रायः सभी रसों का वर्णन मिलता है, किंतु उसमें प्रधानता वीर रस की ही है। शास्त्रीय दृष्टि से समस्त वीर रस के चारों प्रकारों का जो मैंने अभी आपको बताया है, फिर भी उसमें युद्ध वीर की प्रधानता है। भूषण ने युद्ध वीरता के जो चित्र अंकित किए हैं उनमें रस परिपाक अपने पूर्ण उन्मेष को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। उनके युद्ध चित्र सजीव, लोम हर्षक, उत्तेजना, आतंक आदि से परिपूर्ण है। उनका युद्ध वीरता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। छूटत कमान बाण बंदूक रूप कोक बाण, मुश्किल होत मूर्चा रहू की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दाबा बांधी द्वेषिनी पे वीरन ले चोट में। तो इस प्रकार से यानी इन्होंने वीर रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें इसमें अनेक भावों को अभिव्यक्ति की है। युद्ध वीर के संदर्भ में ही शत्रुघ्न सेनाओं, वीरों की गर्वोक्तियां, योद्धाओं के शौर्यपूर्ण कार्यों, उनके शस्त्र शास्त्रों की खनखनाहट, इन युद्ध के नगाड़ों के तुमूल कोलाहल आदि के वर्णन हुआ करते हैं। योद्धा आलम्बन होता है तो युद्ध क्षेत्र और विविध साधन उद्दीपन होते हैं। इसी प्रकार से वीर रस की जो शैली है ऊहात्मक शैली, इसको भी यानी भूषण ने चमत्कारवादी होने की अपेक्षा परंपरा से अधिक सचेष्ट लगते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अतिशय चमत्कारी वर्णन किए हैं। सैन्य संचालन के प्रसंग में शेष के फणों का केले के पत्तों की तरह जाना, सिंधु का आंदोलित हो उठना, पृथ्वी पर धूल छा जाना आदि का उन्होंने चमत्कारिक वर्णन किया है। जैसे दल के दरानन में कमट करारे फूटे, केरा कैसे पात बिहाने फन शेष के, कहीं कहीं पर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए भूषण अति रंजना भी कर गए हैं, लेकिन वे अतिशयोक्ति के स्थल रस परिपोष में बाधक नहीं बन पाए हैं। अर्थात शिवाजी के आगमन की बात सुनते ही शत्रु की नारियों के अश्रु जल के प्रवाह में गांव डूब जाता है। इसी प्रकार शिवाजी के तेज का वर्णन करते समय अतिशय चमत्कार दिखाया गया है और अनेक प्रसिद्ध उपमान एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे स्थलों पर ऊहा होते हुए भी आस्था के भाव भूमि पर स्वाभाविकता ही प्रतीत होती है। यानी वीर रस के अलावा भूषण की रचना में रौद्र तथा भयानक रसों को भी देखा जा सकता है, लेकिन ये रस मुख्य रूप में न आकर के उसके सहायक रूप में ही आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भूषण वीर काव्य में वीर रस प्रधान है ही, उसके रौद्र एवं भयानक का भी यथास्थान चित्रण हुआ है। रौद्र रस वीर रस का सहभागी है तथा आत्यायी शत्रु के संहार में इसका परिपोष होता है। भूषण ने इनकी अनेक स्थलों पर सुंदर अभिव्यंजना भी की है। भूषण ने अपने काव्य में श्रृंगार रस का स्वतंत्र रूप से प्रयोग न करके व्यंग्य रूप में भी अभिव्यक्त किया है। शिवाजी द्वारा शत्रुओं का संहार करने पर उनकी स्त्रियां संयोग काल की मधुरिम व्यंजना करती हैं, ऐसे वर्णन यद्यपि शुद्ध श्रृंगार के चित्र नहीं है, फिर भी उसमें भयानक रस के साथ साथ करुण विप्रलम्ब श्रृंगार की सशक्त अभिव्यंजना हुई है। पूर्व काल में उपलब्ध विलास सुख एवं बाद में पर्याप्त कष्टमय जीवन का वर्णन करके भूषण ने विलास व्यंजना के करुणाजनक चित्र उपस्थित किए हैं। तो इस प्रकार से यानी भूषण के काव्य में वीर रस को तो प्रधानता दी गई है, इसके साथ भयानक है, रौद्र है आदि रसों को भी थोड़ा बहुत उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूषण के काव्य में वीर रस प्रमुखता के साथ प्रस्तुत
हुआ है और इनके काव्य की विशेषता वीर रस और ओज गुण है जो उनके संपूर्ण काव्य में प्रारंभ से अंत तक परिपुष्ट पाया जाता है। उनका वीर रस केवल अपने आश्रयदाता की प्रसिद्धि के रूप में ही नहीं है अपितु लोक मंगल की भावना एवं राष्ट्रीयता की उत्कर्ष की भावना पर भी आधारित है। उसमें वीर कर्मों के साथ जिस त्याग शौर्य उत्कर्ष एवं जातीय गौरव का चित्रण हुआ है वह अन्य रीतिकालीन कवियों में सर्वथा दुर्लभ है। इस प्रकार निर्विवाद है कि भूषण रीतिकाल के ऐसे अप्रतिम कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में ओजस्वी वाणी से वीर रस की धारा प्रवाहित की और कवि जगत में अपना महत्व स्थापित किया। तो भूषण के काव्य में वीर रस की जो भावना देखने को मिलती है तो वो भावना पहले हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था तो आदिकाल में जो रसो साहित्य लिखा गया था उस रसो साहित्य के अंतर्गत भी ये जोश और वीर भावना का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वीर गाथा काल समाप्त होता है तो भक्ति काल में ऐसी हमें बहुत ही कम रचनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें वीर रस का कोई वर्णन हो। लेकिन रीतिकाल में वीर रस की भावनाओं को लेकर के सूदन और भूषण ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुति दी। उन रचनाओं को प्रस्तुति देने का मुख्य कारण भी वही था कि जब हिंदू राजा यानी मुसलमानों के साम्राज्य से त्रस्त आ गई थी यानी उनमें जात पात छुआछूत भेदभाव पाखंड आडंबर और धर्मों का ज़्यादातर बोलबाला था तो ऐसी स्थिति में एक राज्य के कवि अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए और अपनी राष्ट्रीय भावना को बल देने के लिए इन काव्यों का सृजन किया गया जिसमें मैंने आपको बताया सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी में एक ऐसा कवि हुआ है जिन्होंने इसी काल में यानी वीर रस को लेकर के अपनी रचना प्रस्तुत की जिसका नाम था वंश भास्कर। और इसके बाद में आधुनिक काल में यानी वीर रस से संबंधित कई प्रकार के काव्य रचे गए लेकिन इनका कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं था। इन काव्यों का लिखने का मुख्य कारण यही था कि कैसे तैसे यानी भारत को स्वतंत्र किया जाए। पहले यानी मुस्लिम शासक थे वो यानी हमारा शोषण करते थे इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया तो शोषण करने के फलस्वरूप यानी हम क्या कर सकते थे हम कुछ नहीं कर सकते थे या तो भक्ति भाव के गीत गा सकते थे या फिर यानी हम स्वतंत्र होने के लिए लालायित थे। तो ऐसी स्थिति में यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में कई कालों में वीर रस की भावना को देखा जा सकता है और इसी क्रम में यानी भूषण का जो काव्य है उस काव्य में वीर रस जो देखने को मिलता है वो उस काल की समय और परिस्थितियों के अनुसार ही था। तो प्यारे छात्रों आज के इस टॉपिक में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। वैसे भूषण के बारे में मैंने कल भी आपको जानकारी प्रदान की थी और भूषण के बारे में जो उनकी रचना थी वीर रस तो वीर रस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे छात्रों इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देखना है।